सच्चिदानंद परब्रह्मणे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मुझे ऐसी सुझाव मिली थी शारदा बहन से कि सवेरे भगवत गीता हो जाए और शाम को अष्टावक्र गीता हो जाए, परंतु अब यहाँ के सज्जन आप लोगों की मार्फत वो हमसे कहा कि भगवत गीता तो हर जगह सुनने के लिए मिल ही जाएगा, आप अष्टावक्र गीता सवेरे भी किया जाए तो अच्छा है, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। सो इसलिए कल जो हमने शुरू किया उसी को आगे चलाएं। अष्टावक्र गीता जो है ये इसमें कोई सीढ़ी नहीं है, बिल्कुल एक छलांग मारकर जिस लक्ष्य पर पहुंचना है वहां पहुंचाने वाला है। ये अष्टावक्र और जनक के बीच में संवाद है, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद रहा ऐसे ही है, परंतु जो संवाद हमको अच्छा नहीं लगे, जिस संवाद में कुछ कटुता आ जाए वो अच्छा नहीं है। इसीलिए गाना जैसा भी हो गाना तो हर एक को अच्छा लगेगा, इसीलिए ये गीता है, ये गान के रूप में, ये पद्य के रूप में, कविता के रूप में कहा गया है ताकि हम लोगों को सुनने में ही अच्छा लगे। और दूसरी बात ये है, सुनने वाले जनक हैं, कहने वाले अष्टावक्र जी महाराज एक बहुत बड़े महात्मा थे, परंतु ये कोई साधारण गुरु और साधारण शिष्य के बीच का संवाद नहीं है, ये तो ब्रह्मनिष्ठ है। अरे गर्भ से ही ब्रह्मनिष्ठ हो गए थे, जब गर्भ में थे तभी अपने पिताजी को उसने कहा था कि अरे तुम तो गलत शब्द बोलते हो, वेद को ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये अभी बच्चा बाहर नहीं आया तभी इनको ऐसे हो गया था जैसे वामदेव को हुआ। और इतने बड़े महर्षि ब्रह्मनिष्ठ और जनक जी भी कुछ कम नहीं है, बस थोड़ा सा ही कहीं कुछ रह गया होगा, ये तो बिल्कुल सूखा लकड़ी है, सूखा लकड़ी को जलाने में देर नहीं लगती, फलक मारने में आपने मैचेस लगाई बस जल पड़ी। और यदि गीले लकड़ी हम जैसे हो आप लाखों बार सुने तभी बहुत कम उसका फर्क पड़ेगा। और इसीलिए इस संवाद में क्या होता है, अष्टावक्र जी प्रथम अध्याय में पूरा उपदेश दे देते हैं कैसे वहां पर पहुंचना है, अपने लक्ष्य पर भगवान को कैसे पाना है। जनक जी तुरंत कहता है हां बिल्कुल ठीक है, आपने जो कुछ कहा वही मेरा ही अनुभव हो रहा है, सुनते ही
उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है, उस आत्म साक्षात्कार की जो कौतूहल जो है उस आनंद में डूबते रहते हैं, और उसी से वो भी अपनी भाषा में अपना जो कुछ अनुभव है, जो अष्टावक्री उपदेश के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है 100%, उसी को वर्णन करते हैं। सो इस तरह एक दूसरे के पूरक होकर चलते हैं इस संवाद में। ये नहीं कि एक उनको उपदेश देते हैं, दूसरा हां जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये भी उपदेश है, वो भी उपदेश है, आपके लिए हमारे लिए। नहीं तो यदि केवल दो लोगों के आपस में कुछ उपदेश हो, तब इसको छपा ये क्यों जाए, ये हमको क्यों नहीं क्यों मिला। केवल जनक जी एक बहाना था। जनक जी के बहाने में सदियों तक जो आप जैसे हम जैसे साधक लोग हैं, हमें लाभ पहुंचाने के लिए ये अष्टावक्र गीता हुई है। कुछ कुछ महात्मा लोग इसको महागीता कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। और कल हमने देखा जनक जी पहले सवाल पूछते हैं, क्योंकि बगैर पूछे कोई चीज कहा न जाए, ना पृष्ट कसचित ब्रुयात। इसने तीन सवाल पूछी, आखिर में एक ही तो सवाल है, परंतु उसके साधन के रूप में दो सवाल और पूछी। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यं च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे भगवान अष्टावक्र जी महाराज, लोग कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है, वो ज्ञान क्या है, कैसे मिले? और ज्ञान तो मिला समझिए, तब मुक्ति अपने आप मिल जाती है या उसके बीच में कुछ और करनी पड़ती है? सो मुक्ति कैसे मिलती है महाराज, और ज्ञान से मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, कुछ करो कुछ मिलेगा। आप कुछ लाकर, आटा लाकर कुछ बनाओ, इडली मिलेगा। कुछ ने किया, इडली कहां से मिलेगा? सो इसलिए उसको एक शंका आ रही है, केवल ज्ञान से मुक्ति मिलेगी क्या? और कहा जाता है कि जितने भी साधन हैं मुक्ति पर पहुंचने के लिए, उसमें बड़ा मुख्य और खास वैराग्य है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार हैं। चार में मुमुक्षुत्व तो है ही नहीं, तो ये सवाल ही नहीं पूछते। यदि उसको मोक्ष नहीं पाना है, तब क्यों पूछते? तो इसका मतलब कि मुमुक्षुत्व तो है ही इसमें, और शीर्ष संपत्ति तो पहले ही हुआ होगा, नहीं तो कोई गुरु को ढूंढेगा नहीं, गुरु के पास आकर कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। मेरे पास कितने कितने लोग आते हैं, कोई भगवान के बारे में नहीं पूछते। महात्मा जी, मेरा बेटा का ठीक नहीं है, डॉक्टर लोग कुछ कर नहीं पाए, आपकी कोई मेहरबानी हो, कोई मंत्र मंत्र दीजिएगा, मैं तो डॉक्टर हूं, यहां भी जाता हूं। कौन भगवान को कौन मांगता है? इसीलिए इनको षट संपत्ति जरूर है। जनक जी महाराज तो विदेह कहा जाता है, देह का भान ही नहीं है उनको। और वैराग्य कैसे पाया जाए, ये हमें बताइएगा। ये तो कल देख चुका, सीधा शुरू करते हैं। इसमें बीच में कुछ कोई भूमिका नहीं है, सीधा उसने सवाल किया, सीधा जवाब दिया। तीन चार श्लोक के अंदर पूरा अष्टावक्र संहिता खत्म ही होगी, आप समझिएगा। सवाल का, प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है, आप उसी में बैठिएगा, बस काफी है। एक सेकंड के अंदर मोक्ष मिल सकता है। जैसे आजकल लोग जो है ना, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं, बस गया मिला इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट खाना, कई जगह पर गया तुरंत आपको मिल गया, वहां आपको बैठना ना पड़े। इसी तरह इंस्टेंट मोक्ष का यदि भागवत को कहते हैं कि वो मोक्ष ग्रंथ है, वहां भी 7 दिन तो लगा,
इसमें 7 मिनट नहीं लगता है, यह ऐसा ग्रंथ है, बहुत बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल विरला, ऐसा ग्रंथ तो कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जो तुरंत उसी समय में मिल सकता है, इससे भी और शॉर्टकट कहां हो सकता है बताइए। स्ट्रेट शुरू करते हैं। अष्टावक्र उवाच, मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान् विषभत्यज क्षमार्जव दयातोष सत्यं पीयूष वद्भज। पहले थोड़ा सा अष्टावक्र इसलिए शुरू करते हैं, पता नहीं कि पूछने वाला थोड़ा सा परंपरागत रीति से चलने वाले हो, यदि आप परंपरा को छोड़कर कुछ कहें उसको जचेगा नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा जैसे हमारे सारे वेदांत ग्रंथों में ही लिखा है, जैसे विवेक चूड़ामणि इत्यादि में है, इसी तरह शुरू करते एक ही श्लोक। हां यह भी तो जरूरी है कि बच्चे चीतात, देखिए शिष्य और इसके बीच में इतना दया है, इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है, बेटा मेरे बेटे, ये नहीं कि शिष्य जनक ऐसे नहीं पूछते हैं, तात तात माने हे बेटे तुम मुक्ति मांगते हो, मुक्ति मिच्छसि चेत् तात, तब तुम ऐसा करो, सारी दुनिया की जितनी वस्तु है जिसको आप अपने 5 ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण करते हैं, आंखों से कई रूप देखते हैं, अरे ये सिनेमा बहुत बढ़िया है, अरे आज टीवी में बहुत बढ़िया सा वो आएगा, या ये गाना बहुत बढ़िया है, हम तो बस सुनते रहना चाहता हूं, सवेरे उठकर बस इसी को कैसेट को मैं सुनता हूं, इस तरह करके किसी को आप अपने श्रोत्र से ग्रहण करते हैं, किसी को अपने नेत्र से ग्रहण करते हैं, और कोई चीजें देखो कितना नाजुक है, कितना मृदुल है, ये जो फूल जो है कितना कोमल है, इस तरह करके अपने त्वक से स्पर्श सुख आप देखते हैं। सो इस तरह सारी दुनिया में जितने भी विषय हैं उसको सबको छोड़ दो। कैसे छोड़ो? क्रमशः नहीं, आज थोड़ा सा छोड़ा, कल और थोड़ा सा, इस महीने में हम चाय छोड़ा, अगले महीने में बीड़ी छोड़ा, ये नहीं, तुरंत। कैसे? जैसे ये कोई कहता है कि इस बॉटल में हमने जहर रखा, जहर है, इसको टच मत करो, उसमें ऊपर लिखा हुआ है जहर। अब उस जहर को खाने पीने के वस्तुओं के साथ रखें, आप तुरंत उसको उठाकर दूर रखेंगे, अरे भाई कहीं गलत से नहीं किया जाए। जो विष है, जो जहर है, उसको कैसे त्याग करते हो? उसके पास में जाने की हिम्मत होती है कभी? इसी तरह तुरंत उसको छोड़ दो। इस विष को यह नहीं कहते आज 2 बूंद खाकर देख लें, कल उसको 1 बूंद और कम कर लें, क्या क्रमशः छोड़ देते हैं? उसी समय उसी मिनट उसको आप दूर कर देते हैं। इसी तरह दुनिया के जितने भी विषय हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। विवेक चूड़ामणि इत्यादि में बहुत बढ़िया सा लिखे हैं, देखो केवल एक इंद्रिय रहे वही काफी है हमको मृत्यु में पहुंचाने के लिए, और यदि 5 इंद्रिय को आप विषयों के सुख भोगने के लिए आप उपयोग करें तब आप कभी बच सकते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कुरंग, मातंग, पतंग, मीन, भृंग, 5 उदाहरण देते हैं। ये जो हिरण जो है वो शब्द से मोहित मुग्ध हो जाता है, कहीं भी कोई फ्लूट वंशी बजाए वो भागने वाला हिरण खड़ी हो जाती है, अपने कान को खड़ी करके
सुन लेती है, लोग जाकर उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार लेते हैं। देखिए सुनने से ही उसकी मृत्यु होगी। और दूसरा जो है हाथी, हाथी को कैसे पकड़ते हैं, ये केरला वगैरह में एक बहुत बड़ा सा एक गड्ढा बनाकर वहां पर एक अपने पाला हुआ एक हथिनी को छोड़ देते हैं। हथिनी को देखकर ये मुग्ध होकर हथिनी को स्पर्श सुख उसका उसका अनुभव करने के लिए वो वहां आ जाता है, उसके ऊपर अपनी सूंड डाल देता है, उसी समय इसको पकड़ लेते हैं स्पर्श सुख अपनी चमड़े के सुख से। और ये जो मीन जो है, जो मछली जो है, देखिए अपने जिह्वा से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जिह्वा चापल्य से खाने के लिए जब किसी ने कांटे में कुछ रोटी लगाकर नीचे डाल देते हैं, अरे बहुत बढ़िया करके जब उसको वो काटने लगती है, बस वो कांटा लग जाती है, बस ये उठाकर उसको उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह पतंग ये एक छोटी छोटी सी ये हो जाती है, जो जब रात को दिया वगैरह चलती ना, उस दिया में आकर अपने शरीर को उसी में जला देती है, वो छोटी छोटी सी होती है जैसे मच्छर जैसे। सो इस तरह करके देखिए रूप से और शब्द से और जिह्वा चापल्य और रस से, सभी से, इन पांच इंद्रियों से एक एक से भी मृत्यु हो सकता है। जिसके पास पांच इंद्रिय उसको क्या पूछा जाए। ऐसा हुआ भगवान रमन के पास एक अंधा गया, सूरदास थे, दोनों आंखों से अंधे थे। जब वो उनके पास गए तब भगवान रमन से इन्होंने कहा, महाराज देखिए मैं तो अंधा हूं। तब उन्होंने कहा, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया है। ने कहा, क्या महाराज आप तो अभिनंदन करते हैं, हम तो यहां मरते हैं, हमारा आंख नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं करके आप कोई सहानुभूति की बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि शाबाश बेटा। उसने कहा, देखिए भगवान ने कहा, रमन ने कहा, पांच इंद्रियों को कंट्रोल करने में तो बड़ी मुश्किल होती है, अब तो तुम्हें एक इंद्रिय कम है, अब चार ही इंद्रिय को तो कंट्रोल करना है, ये तो शाबाशी की बात है भाई। मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज। तुम मुक्ति चाहते हो, इन किसी चीजों के पास मत जाओ, सबको बिल्कुल जहर जैसा उसके दूर रहो, किसी का भोग मत करो, किसी का भोग मत करो, क्योंकि इन सब में जो है थोड़ा थोड़ा सा आपको बस एक दो बूंद सुख मिलता है, आप उसी के अंदर आप डूबे रहते हैं। हाँ गुलाब जामुन कितना बढ़िया है, रसगुल्ला कितना बढ़िया है, अरे ये कैसर सुनते सुनते मैं समाधि में चला जाता हूं। देखिए एक बार मेरे यहां मेरे एक बहुत बड़े ऊंचे महात्मा जो हमारे गुरु भाई थे, वो जब हम ग्रस्त जीवन बिताते थे तब आए थे हमारे पास, दिल्ली में रहे। और उस समय पर टीवी में रामायण चलती थी, पहली बार रामायण चलती थी, और सारे लोग इतने मुग्ध होता थे, वो कॉन्फ्रेंस को भी स्थगित करके विज्ञान भवन इत्यादि में सारे टीवी देखने चले जाती थी। वो दिन था, मैंने कहा कि महात्मा जी आए हैं, रामायण तो जरूर देखते होंगे। टीवी को दूसरे कमरे से लेकर महाराज के कमरे में रखा। महाराज जो हम लोगों से बात करते थे उसको रखते ही वो दीवार की ओर टर्न करके वो इस तरह देखे ही नहीं, टीवी चलती रही हम लोग देखे, वो इस तरह देखे ही नहीं। हम तो इसको कुछ बुरा नहीं माने, क्योंकि हमें उन दिनों में हमारा यही ख्याल था कि सन्यासी तभी बनते हैं जब एक आध स्क्रू जरा ढीला हो जाता है। तो मैंने कहा यही बात है कि इसमें क्या पूछना क्या है। परंतु वो जो घर की देवी जो है उनसे सहा नहीं गया। अगले दिन सवेरे नाश्ते के बाद उस महाराज से पूछने लगी, महाराज आप लोग अद्वैत सन्यासी हैं क्या,
रामायण महाभारत भागवत इससे क्या आप आपको क्रोध है, वो सब पढ़ना नहीं है क्या आप लोगों को, देखना नहीं है। उन्होंने कहा किसने कहा, फिर कल रात को हमने रामायण रखा था आपने देखा ही नहीं। तब उन्होंने ये बात पूछी, बेटी ये कहो कि वहां सीता जी का रोल जो कहा, जो अभिनेत्री थी जो सीता बनकर आई थी, उसका नाम तुम्हें मालूम है? हाँ, उसका नाम दीपा है। हाँ, उस दीपा के बारे में लोगों ने मुझसे कहा कि कई पत्रिकाओं में बहुत आती है उसके चाल चलन के बारे में। हाँ, वो तो बंबई की है, बंबई के लोग थोड़ा सा ऐसे वैसे रहते हैं, और खासकर सिनेमा वाले तो ऐसे होते हैं, वो कई लड़कों के साथ रोज चलती रहती है, वो तो है ही। जब वो दीपा सीता बनकर उस टीवी से तुम्हें देखती है, तुम्हारे पास जो उनके जो भाव के किरणें आती है, वो सीता जी की आएगी या दीपा की आएगी? हाँ, वो तो दीपा की ही तो आएगी। देखिए, उनके अंदर जो वासनाएं हैं, वो वासना आपको मिलेगी। आप शायद समझते होंगे रे ये तो भगवान की कथा है, पर भगवान की कथाएं उसमें जो ऐड करते हैं सभी कुछ ऐसे वैसे बुरे चाल चलन के हो, तब आपको उस कथा का प्रभाव कम पड़ेगा, इन लोगों का प्रभाव ही ज्यादा पड़ेगा, आपको मालूम नहीं होगा। ये तो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर वो वाइब्रेशंस चलती है। और इसी तरह अब आप भजन सुनते हैं, मुझे पता है जिन जिन के खासकर हिंदी का भजन गाने वाले बहुत हैं, आजकल भी हैं, उनके पिताजी जो थे बहुत अच्छे थे, वो भी गाना गाते थे बहुत फर्स्ट क्लास, वो उनका चाल चलन बिल्कुल बढ़िया, वो असली में भक्त थे। अब ये जो हैं, इनका चाल चलन हम लोग सब जानते हैं, परंतु जब गान गाते हैं बिल्कुल लोग पिघल जाते हैं, ऐसे गान गाते हैं। अब आप उनकी उनका जब गान सुनेंगे, उस गान में जो वाइब्रेशन आएगा, वो इनकी वासना ही तो उसके अंदर आएगी हमें। इसीलिए यही अच्छा है कि आप अपने रिकॉर्ड में अपने ही भजन आप सुनाकर उसमें रिकॉर्ड कर लो, उसी को सुनते रहो। देखिए कैसे भी हो, हर एक को अपनी अपनी आवाज तो मधुर लगेगा ही, सो आप अपना ही रिकॉर्ड करके सुनिएगा, दूसरे की जो वासना है उसको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अंदर ही इतनी इतनी वासना है, उसको निकालने में हमें पता नहीं कितने कितने जन्म लगता है, और दूसरे को क्यों लें आप। सो ये है, इसलिए वो कुछ भी हो, विषयों को बिल्कुल त्याग कर दो, विषयान विषवत त्यज, और ये त्याग करने की बात है। कुछ ऐसी है जिसको उपलब्ध करो, यदि आपके पास नहीं हो तब उसको उपलब्धि के लिए तुम साधना करो। क्या है? क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम। क्षमा, कोई भी आपको कुछ बुरा करते हैं, आपको अपकार करते हैं, आपको निंदा करें, या आपके प्रमोशन को रोक लिया, जाकर कुछ कह दिया आपके यजमान से, अरे ये तो ऐसे ऐसे करते हैं, आपको ये पसंद नहीं करते और इसीलिए आपको प्रमोशन नहीं दिया, ऐसे लोगों को क्षमा कर दो। क्षमा जो है एक दैवी गुण है। लोग कुछ भी करें, मेरा हाथ भी काट लें, उनको क्षमा कर दें, हम उनके ऊपर क्रोध न करें, उनके पास जरा भी कुछ भाव में कोई फर्क न हो जाए, हम जैसे मित्रों के साथ बर्ताव करें ऐसे ही उन लोगों के साथ ही बर्ताव करें, यह करना जरूरी है। आखिर में जब सभी में जब आप ईश्वर को देखने लगे तभी तो आत्मदर्शन होगा। आत्मा जो किसी एक जगह पर नहीं है, हर जगह है। जब किसी को आप शत्रु समझें, किसी को मित्र समझें, तब आपके अंदर वो एकात्म भाव तो आ ही नहीं सकता। जब तक वो एकात्म भाव नहीं हो, समस्त भूतों को आप अपना ही न समझें, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार होना तो नामुमकिन है, असंभव है। इसीलिए क्षमा, क्षमा तो ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी करें आप बिगड़े नहीं, आप क्रोध न करें। ऐसा था, एक ब्राह्मण था,
उनकी बेटी की शादी करनी थी, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। वो गए महाराष्ट्र में, एक गांव में एक बहुत बड़े जमींदार थे, जमींदार के पास गया और मांगा। जमींदार ने कहा, देख ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है, 1000 रुपया तो 1,00,000 रुपया का समान है। उसने कहा, देख हम 1,000 रुपया दे सकते हैं, परंतु एक शर्त है। देखो इसी गांव में वो जो घर, जो आखिरी घर जो है, उसमें एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, उसका नाम है एकनाथ। एकनाथ एकादश स्कंद के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत बड़े महात्मा थे, महाराष्ट्र के संत थे। देखो वो अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझता है, आज तक किसी ने उसको कोप प्रकट करते हुए, क्रोध प्रकट करते हुए कभी नहीं देखा। तुम जाकर किसी तरह उसको, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न कर दो, वो भले ही तुम्हें कोसें, कुछ करें, डंडा लेकर तुम्हें मारने के लिए दौड़े, तब मुझे, मैं तुम्हें 1,000 रुपया दे दूंगा, मैं यहां से देखता रहूंगा, चलो कुछ करो। ब्राह्मण जी वहां गए सीधा, बहुत बड़े बड़े से खटखटाए, इतने बड़े खटखटाए सारे, सारा घर हिलने लगा। तब पत्नी जी, श्रीमती जी आकर खोली, कहा है वो एकनाथ, अंदर पूजा कर रहे हैं। ये सीधा अपने चप्पल के साथ, अपने शू के साथ सीधा पूजा घर में गई। जाकर वो पूजा कर रहा था, एक लात मारी अपने वो चप्पल के साथ, तुरंत वो गड़बड़ाकर उठे, महाराज क्षमा करना, मैंने देखा नहीं कि आप जैसे महात्मा आए हुए हैं, ये तो मेरी गलती हुई। उनको नमस्कार किया। अभी पूजा हो रही है और अभी तक भोग नहीं लगाया गया, भगवान का नैवेद्य नहीं दिया गया, भोग नहीं लगाया गया, इसलिए कहा मुझे अभी खाना चाहिए। जब तक भोग नहीं लगाते तब तक तो खाना किसी को देते नहीं, परंतु महात्मा मांगते अभी इस समय। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया महाराज, आप ही तो भगवान है, आप ही को तो भोग लगेगा, हमें क्या त्रास है। ए, लगाओ। अच्छा सब लगाइए। ये बैठे, परोसनी लगी, झुककर तो इसी तो परोसनी है। जब झुककर परोसने लगी, ये उसके पीठ के ऊपर बैठ गया, जम करके एक छलांग मारकर वो जो देवी जी जो है घर की, उसके पीठ के ऊपर बैठ गई जैसे घोड़ा। तब एकनाथ जी महाराज अपनी पत्नी से कहा, पत्नी जी सावधान रहो, संत जी महाराज कुछ खेल रहे हैं तुम्हारे ऊपर बैठे, कहीं नीचे न गिर जाए। उसने कहा, अरे तुम भी क्या कहती हो, तुम भी क्या कहते हो, मेरा तो 10 बेटे हुए, सारे बेटे तो ऐसे ही खेला करते थे। तब लज्जा के मारे अवरत होकर उसने कहा, मैं कुछ भी करूं, ये तो ये दोनों ऐसे हैं कि किसी के मुख में जरा भी क्रोध नहीं आता। तब तो उन्हें नमस्कार किया और कहा, महाराज हम 1,000 रुपये के लोभ से मैंने ये सब किया। तब एकनाथ जी आंसू बहाकर कहा, बेटा यदि तुम पहले ही ये बात बता लेते तब तो हम अपनी क्रोध दिखा लेते, तुम्हें 1,000 रुपया मिल जाता। ये है क्षमा। क्षमा आर्जव, आर्जव माने सीधापन। सीधापन का क्या मतलब है? मन, वाणी और क्रिया, ये तीनों जब एक ही जैसा रहे, जो मन में आया वही चीज हम बोले बाहर, और जो हमने कहा वही करके दिखाया, सो तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। मन के अंदर एक और एक आदमी आइए आइए आइए, बहुत दिन हुआ आपसे मिला नहीं, अरे ये आ गया, बड़ा बोर है ये अंदर से सब, ये तो सीधापन नहीं है। सो मन में जो हुआ वही आपके वाणी में प्रकट हुआ, और जैसे वाणी में प्रकट हुआ वैसे ही आप उनकी सेवा करें। सो जहां मन, वाणी और क्रिया, कर्म, जब तीनों एक जैसे हैं, समन्वय के साथ हैं, उसी को आर्जव कहते हैं, सीधापन। अर्जुन का एक अर्थ वही है कि सीधा आदमी जो था, और इसीलिए उसको गीता मिली। सो हमें मुक्ति मिलना चाहे तब आर्जव की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है। आर्जव
आर्जव माने सीधापन, क्षमार्जव दया, सभी के ऊपर वो दया आनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए सबके ऊपर। लोगों के दुख को देखकर हमारा मन पिघलना चाहिए, भले ही हमारे पास कोई पैसा देकर उनको उनके कष्ट को दूर करने की शक्ति भले ही न हो, परंतु मन से तो आप उस भाव में आ सकते हैं, सहानुभूति तो दिखा सकते हैं, ये है दया। महावीर जी महाराज जो जैन संप्रदाय के जो 24वां तीर्थंकर थे, वो गए और एक पगडंडी से चलते रहे, तब गांव के लोग आए, महाराज आप उधर से मत जाइए, थोड़ी दूर में वहां एक बहुत बड़ा सा विषैला एक नाग है, सांप है, वो सबको काट लेता है, इसीलिए हम कोई कुछ कहीं वहां जाते नहीं, बच्चे वहां जाकर नहीं खेलते, हमारे जो जितने भी जानवर हैं गाय वगैरह वहां नहीं चराती। अरे तब तो उसको क्या मिलेगा, वहां उसको कोई दूध देने वाला नहीं होगा, हमको तो फिर जरूर जाना है, उस शाम को देखना है। महावीर वहां गए, वो फुफकार के साथ दौड़कर भागकर आया, वो शाम आकर इनके अंगूठे को काट लिया। जब काटा, अंगूठे से दूध बहने लगा, दूध पीकर वो चल पड़ा। ये है काटने वालों के ऊपर भी इनकी ऐसी दया हुई, ये दूध पिलाते हैं, वो है दया। और तोष, तोष संतोष दोनों एक ही है। संतोष का मतलब है जो आपके पास है यही बहुत है, और इसलिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस तरह करके इसी में तृप्ति करना, अपने पास जो है उसी से संतोष, उसी से तृप्ति होना जो है, यही है तोष। भगवान जिन जिनको जो चाहिए सब देते हैं,